हिमाचल प्रदेश के 45 संस्थानों में भरी जाएंगी जेएनएम कोर्स की 886 सीटें, आवेदन प्रक्रिया शुरू। हे गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं नरेश ठाकुर। आज हम बात करेंगे जेएनएम कोर्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, काउंसलिंग, एडमिशन फीस, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या आपको करना होगा, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और पसंद आती है तो। हिमाचल प्रदेश के नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग ने 3 साल के जेएनएम कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कोर्स के लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 3 साल के जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल के 45 जेएनएम प्रशिक्षण संस्थानों में 886 छात्राओं को दाखिला दिया जाएगा। इनमें से 6 सरकारी हैं और 39 निजी संस्थान शामिल हैं। सरकारी संस्थानों में 160 सीटें हैं और निजी संस्थानों में 726 सीटें जेएनएम कोर्स के लिए दाखिले दिए जाएंगे। जेएनएम एक ऐसा कोर्स है जिसमें विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थी भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए स्टूडेंट्स के पास प्लस टू में 40% अंक होने अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी की आयु 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आयु सीमा अनुसार छूट दी गई है। जेएनएम कोर्स के लिए छात्राओं को ऑफलाइन फॉर्म HPNRC की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जबकि आवेदन करने के लिए फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सामान्य और OBC वर्ग के लिए आवेदन फीस 400 रुपये और अन्य वर्ग के लिए 200 रुपये रखी गई है। फीस की ऑनलाइन रसीद फॉर्म के साथ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च शिमला को भेजनी होगी। कोर्स में दाखिला लेने के लिए जमा 2 के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई जाएगी। आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है। हालांकि जनजाति और दुर्गम क्षेत्रों के अभ्यर्थी 25 जुलाई तक आवेदन निदेशालय मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च शिमला के कार्यालय में भेज सकते हैं। तो इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।